नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा लें। तो वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में मतलब आते हैं और अधिकतर बच्चे कर पाते हैं। जो भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वैसे क्वेश्चन करा देंगे। तो आज का क्वेश्चन उठाते हैं, आज का क्वेश्चन है ये वाला, बिंदुओं P, Q और R द्वारा बने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर तीन बिंदु दिए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए और आंसर निकालना आना चाहिए। तो देखो इस वीडियो में, अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप देखिए ध्यान से मैं कैसे करता हूँ। तो पी क्यू आर दिया है और इन तीनों बिंदुओं के द्वारा बने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए पहले तो लिख लेंगे कि एक चित्र बना लेंगे, मतलब ठीक है, ये अपने सहूलियत के लिए उतना ज़रूरी है नहीं। तो पी का मान लिख लो आप -5 और 7, क्यू का मान दिया था -4 -5, आर का मान दिया था 4 और 5। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो लिख दो आपको ज्ञात करना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अब लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 x1, फिर आता है आपका y2 - y3 + x2, फिर होता है y3 - y1, और फिर होता है x3 y1 - y2, और ब्रैकेट बंद। तो इनको सोल्व करने पे जो आएगा उसको 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर का ध्यान रखना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो धनात्मक में आंसर आए। तो देखते हैं, तो देखो जब हम जैसे पी क्यू आर लिखा है तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, और दूसरे नंबर पर क्यू लिखा होगा तो x2 y2, और तीसरे नंबर पर आर लिखा है तो x3 y3। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 फॉर्मूले के लिए, और ये हो जाएगा x3 y3। अब बस इसमें जहाँ जहाँ x1 लिखो तो वहाँ पर आपको ये पुट करना होगा, जहाँ x2 हो तो -4 और x3 हो तो 4, ऐसी y1 हो तो 7, y2 हो तो -5 और y3 हो तो 5। तो बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 x1 दिख रहा है मुझे, x1 की जगह -5 लिखा है तो -5 ब्रैकेट y2 - y3, y2 की वैल्यू ये रहा -5 और घटाना है 5, तो -5 - 5। फिर आपको x2 लिखना है, x2 है -4 तो ब्रैकेट में लिखो, फिर y3 में से y1 घटाना है, y3 है 5 उसमें से घटाना है 7, तो 5 - 7। फिर x3 आपको दिख रहा है कि 4 है, फिर आपको x3 में से क्या करना है, y1 में से y2 घटाना है, तो y1 कितना है 7, उसमें से घटाना है -5, तो 7 और -5। तो 1/2 -5 -5 -5 -10 हो जाता है, और फिर ऐसे ही आपका ये घट जाएगा, 5 में 7 गया तो -2, और ये हो जाएगा आपका -+ हो जाता है तो 7 5 12। अब 1/2 ब्रैकेट गुना हो जाते हैं तो 5 धाम 50, तो -- गुना होगा तो +50, ये भी -- गुना होगा तो +, 4 2 8, और ये हो जाएगा 12 6 48। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 48 और 8 56, 56 में 50 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से काट देंगे तो आंसर जाएगा 53 वर्ग मात्रक। तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।